हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 4 अप्रैल 2022 तीसरा नवरात्रि व्रत माँ चंद्रघंटा पूजा विधि मंत्र भोग आज जरूर करेंगे एक काम। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से माँ का यह रूप सौम्यता और शांति से भरा हुआ है। आज के दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। आज हम आपको साल 2022 चैत्र नवरात्रि के तीसरे व्रत की तिथि माँ चंद्रघंटा स्वरूप पूजा विधि मंत्र भोग और इस दिन देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताएंगे। चैत्र नवरात्रि तीसरा दिन तिथि 2022। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माँ के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस साल 2022 में चैत्र नवरात्रि का तीसरा नवरात्रि व्रत 4 अप्रैल सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। देवी चंद्रघंटा स्वरूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ दुर्गा का यह तीसरा रूप बेहद ही सुंदर, मोहक और अलौकिक है। चंद्र के समान माँ के इस रूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। माँ का वाहन सिंह है। माता रानी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा पूजन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ये नवदुर्गा का तीसरा रूप है। इस दिन सुबह स्नान के बाद माँ की पूजा से पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान कर प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद माँ चंद्रघंटा को धूप दीप रोली चंदन अक्षत अर्पित करें। इस दिन माता रानी की पूजा में क्रीम व भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर माँ को कमल व शंख पुष्पी के फूल अर्पण करें और उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। अब हाथों में फूल लेकर माँ के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाए नमः का जाप करें। अंत में व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें। तीसरा नवरात्रि व्रत उपाय। माँ दुर्गा का तीसरा रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा कर उन्हें उनकी सभी प्रिय चीजें अर्पित करें। पूजा के बाद घर में शंख व घंटा जरूर बजाएं। इससे जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आज के दिन उपाय के रूप में पूजा के समय माँ के मंत्रों का जाप कर एक तांबे का सिक्का माँ को चढ़ाएं और पूजा के बाद इस सिक्के को अपने पास रख लें। इस उपाय से आपकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें।